बलौदाबाजर में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कार्यरत अर्ध कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अर्ध कर्मचारियों ने राज्य आपदा मोचन निधि के कार्य में उन्हें नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में सभी 6 महीने से कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी है, लेकिन सरकार अब उनकी सेवा समाप्त करना चाहती है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस दिया है, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें आगे भी काम पर रखा जाए। मिलने आए हैं, हम लोगों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है सीएचएमओ ऑफिस से। हम लोगों को लास्ट 31 मार्च तक है हम लोगों का यहाँ सेवा। हम लोग विगत 6 माह से यहाँ पे बलौदाबाजार जिले में हर ब्लॉक में, डीसीएच में, एमसीएच में, सकरी में, हम सब जगह हमारे कोविड स्टाफ काम कर रहे हैं। निरंतर 6 माह से हमारे कोविड स्टाफ सेवा दे रहे जनता को और नेताओं को भी और सभी को, जिसके कारण आज जनता रोड पे फ्री घूम रहे हैं। आज कोरोना का कहर थोड़ा सा कम हुआ है, उसका कारण हम ही लोग हैं। सरकार के साथ हम लोग कंधे पे कंधे मिला के काम किए हैं। आज सरकार हमको, आज विपरीत परिस्थिति निकल जाने के बाद सरकार हमको निकालने पे तुला है, तो हम लोग वही कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन देने आए कि हमारे काम निरंतर रखा जाए। मामला ये है कि हम लोग को संविदा पोस्टिंग में लिया गया था, वो भी 3 मंथ के लिए। 3 मंथ में कंट्रोल नहीं हुआ कोविड, फिर भी हमारा कार्य चलता रहा और हम उसमें कार्य अच्छे से करने पाए। हम पीपी पहन के उन लोगों के, मरीज लोग के पास जाते थे जिसके घर वाले भी उनके पास नहीं जाते थे, पर हमने अपनी सेवा उनको दी पीपी पहन के, और रहा भी वहाँ पर 24 घंटे हम लोग अपनी सेवा को देते रहे वहाँ। और अब बोला जा रहा है कि अब आप, यानी आपको नोटिस दिया जा रहा है कि अब आपकी कार्य समाप्ति हो रही है, ये ऐसा कैसे हो रहा है? सेवा में रखने के लिए, पुनः निरंतर रखने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो भी कार्रवाई होगा आवेदकों को अवगत कराएंगे। हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आए हैं, हम लोगों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है सीएचएमओ ऑफिस से। हम लोगों को लास्ट 31 मार्च